की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। 20 दिसंबर को दोनों देशों के बीच ये बातचीत हुई। दरअसल एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। 17 जुलाई को पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति पर आधार पर दोनों पक्षों ने खुले और रचनात्मक तरीके से पश्चिमी सेक्टर में एलएसी के साथ रेलेवेंट मुद्दों के समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने शेष मुद्दों को जल्द से जल्द समाधान के लिए काम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुरूप एक स्पष्ट और गहन चर्चा की, जो पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर शांति और स्थिरता की बहाली में मदद करेगा और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम करेगा। इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के सहमत हुए। दोनों पक्षों ने निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत करने रखने और शेष मुद्दों पर जल्द से जल्द म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन पर काम करना सहमति व्यक्त की। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यूपी के बागपत में भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने दिखाया दम। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एलएसी पर गरुड़ कमांडो तैनात किए गए। दिल्ली में बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम जाबाज के कैप्टन ने मोटरसाइकिल राइडिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने रॉयल एनफील्ड पर सबसे लंबे समय तक खड़े रहने का रिकॉर्ड बनाया। अहमदाबाद एयरपोर्ट में सीआईएसएफ जवान सीपीआर ट्रीटमेंट देकर एक यात्री की जान बचाई। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जवानों की तारीफ कर रहे हैं लोग। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आफताब का वॉइस सैंपल लेने की कोर्ट से मांगी इजाजत। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर साकेत कोर्ट कल कर सकता है सुनवाई। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब ने अपनी जमानत याचिका को साकेत कोर्ट से लिया वापस। आफताब वकील ने कोर्ट से कहा कि वो अभी जमानत याचिका दाखिल नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र के ठाणे में आबकारी विभाग ने 86 ठिकानों पर की छापेमारी। 37 लाख रुपए की अवैध शराब नष्ट की गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के करीब 38 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। आरोपी मिराज पर 10 आपराधिक में मुकदमे दर्ज है। यूपी के मिर्जापुर में 24 घंटे में 46 बदमाश हुए गिरफ्तार। जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया अभियान। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। एक महिला से छेड़खानी के बाद भाग रहे थे बदमाश।